इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब। ये कहते भाई मौली खादिम कुरान मजीद जी ऐत कोई नहीं ढूंढ के ले आया जिद कुरान हुक्म देता हो सर झुका के जियो। हाँ ये कहते इकबाल रोंदे रोंद क्या कहता इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब। मैं क्या इकबाल क्यों कहता इसे खाती नहीं मुसलमान को गुलामी के आदाब। हाँ जी ये तो पेटो ते पत्थर भी बदे होवन इंज कड़ के खड़ो जाते। हाँ जी साहबी नू तीर लग्या तो आपने फरमाया फुस तो बे रब्बिल काबत जो सीने चो खून का फवारा उठा ना तो फरमाया अल्लाह की कसम है मैं ते बाजी जित गया। जिन्हें साहबी नू तीर मारिया ना उन्हें तीर कमान उठी रखिया हजूर की बारगाह में चला गया। उन्हें कहा जनाब मैं तुहाडे गुलाम नू तीर मारिया शहीद कर दिता जिहड़ी सजा देनी हो मैनू दे देना। लेकिन एक मसला तो दसो मैं तो प्यो दादे को सुनया जिहड़ा मरे हो बाजी हरदा तुहाडा गुलाम को मैं सुनया मरदिया मरदिया कहते मैं तो बाजी जित गया। मेरे आकर फरमाया इन गल समझ नहीं आनी मेरा कलमा पढ़ फिर तेन समझ आ जानी। इकबाल कहता या रसूल्ला क्यामत तक हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा लोग जुतियां दे तस्मी भी बोल पड़नगे। हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा कि लोग घरों निकलनगे तो वापस आके उन्हां दी हर चीज दसेगी तेरे घर में ऐ कुछ होया। हुजूर ने फरमाया एक वक्त आ जाने। हाँ जी ये इकबाल कहता हुजूर ये तुहाड़ी वजह है सारी हर कुजा भी नहीं जहां ने रंगो बू आके खाकश बरोयत जुस्तजू या ज नूरे मुस्तफा उरा बहारस या हनूज अंदर तलाशे मुस्तफा। इकबाल कहता क्यामत तक जितनी भी तरक्की होनी दरे रसूल की खैरात ही और इसके अलावा कुछ तो। हाँ जी ये हजूर आ गए वरना ओ अकल आज समुद्र में भी चीर के थले चली गई। ओ अकल जड़ी जनाब फिजामा में चीर के उत्ते चली गई जंगलों के पहाड़ों में भी चीर के चली गई सहाबा दरियावान लोग इतने इतने पत्थरों भी खुदा मनिया तो जो रसूलुल्लाह आए तो दरियाए दजला दियाँ नहरा लहर जड़िया सन ना तूफानी उठ रही सन तो सहाबा दरियाए दजला से पहुँच के उन्हें जो पुल तोड़ दिता उन्हें पुल तोड़ के तो पार चले गए शहर जी सी ना मतलब दरिया से दरम्यान इस तरफ नस के उन्हें पार गए तो उन्हें पुल तोड़ दिता। सहाबा जो गए तो पुल तो टुटिया तो पूरे जनाब तूफानी लहर दरियाए दजला दियाँ तो हजरत साध खड़े हो गए। आपने फरमाया हो जानना असी कौना उन्हें क्या असी मुहम्मद अरबी दे गुलाम असा पार जाना है। रावी कहते हैं सलमान फारसी ते साद इब्ने अबी वकास गल्लां करदियां करदियां घोड़े विच सुट दिते शलवारा भी नहीं छुंगिया ते घोड़े नूं भी तेज नहीं कीता भी ख्याल करी दरिया विच वड़ा कहते हैं जिवें गल्लां खुशकी ते करदे आंदे सन एवें करके घोड़े दरिया विच सुट दिते। दीन दा काम इंज होवे मैं जिहड़ी गल करन लगा हजूर नाल भी प्यार होवे ते लोग कवन ए झल्ला साहबां नूं उन्हां कहा ना ये झल्लेन साहबां नूं कहा भाई ये झल्लेन साहबा कोई गलियां खाल के पत्थर मारने दुनिया की अकलां जिथे मुकदियां उत्थों साहबा दी अकलां शुरू होंदियां। हाँ जदों रसूलुल्लाह थुक मुबारक सुटते सन तो 1400 दौड़ पैंदे सन हजूर इत्थे थुक सुट इत्थे जो रसूलुल्लाह वजू फरमाते सन तो कहते हाथ करके जनाब मैं वजू का पानी लेना वो मैं लेना करीब सी कि दूसरे मार देंगे कहते मगरब तो लिया शहादत लैन दो कहते यार भी कोई लड़न वाली गल है वजू तो पानी तो लड़ खड़ा इस गल तो दुनिया परेशान हुई उन्हें क्या तो झले तो हूँ जो सहाबा दीन के कम वास्ते घोड़े सटे ना दरिया हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा उन्हें क्या दीवानन दीवानन मजानीन मजानीन उन्हें कहते झले तो पागल आ गए ये तो इंसानी मखलूक ही नहीं लगती जिन्हें सम दरियावान में घोड़े सुट दिते। दीन का काम इंज हो कि अगला वेख के गल करे कि ये झलन जी ये झलन जी ये पागल हैं जी उन्हें कहा जी ये तो झलन ए जे तुसी बड़े संजीदगी ना दीन का काम कर रहे हो ना संजीदगी ना भाई सारी राजी रवन मैं आप सारी राजी रवन जनाब चौधरी साहब भी राजी रवन माँ प्यो भी राजी रवन दीन का काम होना झल्ले हो गए। हाँ जी जिते लोगों दकलों मुक्न उतो दीन का काम शुरू हो वरना 70 साल नहीं 70,000 साल भी और गुजर गए ना हजूर द एक कानून पाकिस्तान नाफिज नहीं होना बल्कि जेडे नाफि 295 सी भी यह कहते उड़ाओ जी जड़ा आया हजूर की इज्जत के कानून में पै गया अज भी ये पै गए सारे तुम चाहते हो कि दीन का कम हो फिर दीवाना वार साहबा जिमें समुद्र घोड़े सुट देते ना तो उन्हें क्या बस समालिक जाओ ऐ नाथ खान तो इंजे कहते ना कबर जाने या नबी जाने ए नाथ खाना कबर पता लग जाना है न कबर जाने या नबी जाने उस वेले जदों नबी की इज्जत उत्ते तू गल कर। हाँ
उस वेले फिर तू कबर नबी दे हवाले बिशक कर दे, असली तैयार हाँ जी तू रसूल तवज्जो तवज्जो हजूर की खातिर तू कभी मैदान च नहीं आया, तू हजूर की खातिर कभी जनाब हथकड़ी नहीं लवाई, हजूर की खातिर कभी तू किसी को चंड नहीं खाधी, गाल नहीं खाधी, कबर किन जाने नबी जाने।